तो दोस्तों, व्लॉग शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का व्लॉग ना काफी स्पेशल होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना, एंड बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बहुत स्पेशल है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया ये व्लॉग एडिट होने में, बाकी देख लेना। हाँ, पूरा देखना दोस्तों, ठीक है, एंड तक जरूर देखना, फिर मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मैं पी रही हूँ सुबह की चाय, आज है मेरा फेयरवेल दोस्तों, अभी ना 2 बजे से फेयरवेल, तैयारी तो पूरी हो चुकी है फेयरवेल की। और साड़ी पहनने मैंने जाना है नितेश के घर, क्योंकि आंटी पहनाएंगी मुझे साड़ी, साड़ी पहनने मुझे आती नहीं है, और बस वही है। फिर वहाँ जाके रेडी होंगी, फिर निकलेंगे फेयरवेल के लिए, और उसके बाद पेपर है हमारे 5 तारीख से। पर चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए चाय पीते हैं एंड देन नितेश के घर चलते हैं, नितेश आएगा लेने, नितेश के घर चलेंगे, फिर उसके बाद वहाँ जाके रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कॉलेज में आपको सबसे मिलाऊंगी। ओके, ये देखो वो शुरू हो चुके हैं कि तैयारी सारी, सजना धजना शुरू। और मेरे को देखो, मैं आज ऐसे जाने वाला हूँ, मस्त लग रहा हूँ ना, बाल हेयर स्टाइल एकदम। इसने ना हेयर कट कराया ना, इसने दाढ़ी बनाई, मैं भी चल रही हूँ फ्री, कुछ नहीं करवाया यार मैंने, पिछले आधे घंटे से लगी पड़ी है ना तू इसमें, अभी तो आई हूँ मैं। झूठी दोस्तों, 1 बज चुके हैं एंड 2 बजे से हमारा फेयरवेल है, अभी तक हम रेडी नहीं हुए ढंग से, मैंने मतलब हल्का फुल्का मेकअप कर लिया, वो देखो वो अभी तक अच्छे में ही है। बाकी पहले खाना खा रहे, उसके बाद साड़ी पहनते हैं, फिर निकलते हैं फटाफट। तो दोस्तों फाइनली रेडी हो गई हूँ मैं, क्या हम नहीं हुए, आंटी ने बनाई मुझे साड़ी, ज़्यादा मत बोलो ये वो नीचे मत दिखा, बेस्ट ऐसे ही आएगा जूडियो की नई वाली। मैं ऐसे ही पहन के जा रहा हूँ, पर मैं से उतार रहा हूँ। मेरी साड़ी देखो क्या मस्त लग रही है, जो कि मेरी नहीं है, मेरी बहन की है। चल ले, 2 बज गए, फेयरवेल शुरू होने वाला है, प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, जूनियर्स डांस भी तो करेंगे। चलो चलो जल्दी। दोस्तों ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं, वहाँ पे फंक्शन शुरू हो गया है और हम अब निकल रहे हैं, और आई कार्ड भी भूल गए घर पे, तो नितेश जा रखे अभी आईडी कार्ड लेने, फिर चलते हैं कॉलेज। देव भी नहीं पहुंचा अभी, विपुल पहुंचा अभी कॉलेज सिर्फ। दोस्तों हम फेयरवेल में जा रहे हैं, बट हमें लग रहा है हम शादी में जा रहे हैं। उसने जूते पहने चमकीले, चमकीले जूते यार। दोस्तों मैं व्लॉग बना लेती हूँ, फिर मैं वो हो जाता है, गाने बज रहे थे, तो मैं बता रही थी कि इसने अपग्रेड करा है ब्लैक से ग्रे में, थोड़ा सा एक लाइट शेड में आ गया भाई मैं, और ये पहली बार कॉलेज इतना बंधन के जा रहा है। मैंने तो मैं तुम्हें ब्लैक से लगड़ के को दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ग्रे दिखा कुछ ज्यादा ही 19-20 का फर्क दिखाया है इसने, पर अच्छा लग रहा है ये, और मैं तो लगी रही हूँ अच्छी एज यूजुअल, मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। कमेंट्स में बता देना, कमेंट देखो चूड़ियां भी पहनी। तो चलो बाकी कॉलेज चलते हैं, फिर विपुल देव से मिलते हैं। देव अभी घर से निकला है, हम भी निकले हैं, सिर्फ विपुल है जो पहुंच गया, और उधर फंक्शन शुरू हो गया, हमें कॉल आने लग गए हैं कि शुरू हो गया है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं कॉलेज। दोस्तों अभी हम अपने कुछ दोस्तों को पिक करने आए हैं, पर हम अभी सोच रहे थे कि यार फेयरवेल स्टार्टेड, प्लीज रीच ऑन टाइम, यार स्टार्ट हो गया है यार, वही तो सब लेट कर रहे हैं, बताओ प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव ऑडी फॉर लिमिटेड टाइम, कम टाइम के लिए यार, ऑडिटोरियम और इतने में हम लेट पहुंच रहे हैं, आधा तो निकल जाएगा, और क्या फायदा इतना तैयार होने का, लेट कर दी ना तूने, मैंने करी है हाँ। यार इतना झूठ तो मत बोल। बाकी मैं कह रही थी यार, हम तो अपने जूनियर्स को जानते ही नहीं है, क्या करना जूनियर को जान के, अपने लोगों से मिलना है, मैं तो अपनी क्लास के लोगों भी है। थोड़ा बहुत खाना पीना आएगा, मान ली देखना क्या देंगे, सस्ती चीज है, इतनी फीस लेके भी देंगे, सैंडविच वैंडविच ये फालतू चीज, पिछली बार भी यही दिया था भाई। हम पहुंच गए हैं कॉलेज फाइनली, और देव अभी तक नहीं पहुंचे, देखो 10-15 मिनट और लग जाएंगे, हमेशा लेट देख रहे हो तुम, अब तो समझ ही गए होगे, क्या ही बताएं, वही तो, देव इज ऑलवेज लेट, अभी मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, आई हैव वेरी लेस एक्सपीरियंस इन साड़ी। अभी अपनी शक्ल स्कैन करते हैं, चलो यार जल्दी भागते हैं। विपुल को फोन लगा, कह रहे यार ऑकवर्ड लग रहा है, कह रहा अच्छा है आज कॉलेज खाली है, मैं भले शॉर्ट्स वगैरह किसी में भी उठ के आ जाऊं, लेकिन ऐसे कपड़ों में मन नहीं करता। जूते तो दिखा अपने चमकीले जूते, चमक वाले जूते हैं गाइस मेरे। अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम की साइड, ऑडिटोरियम में ही है फेयरवेल का जो भी फंक्शन है। ट्रेंड मिस ASFA अवार्ड मिल रहा है, मतलब प्रोग्राम, देखो मेरे को मिलेगा अवार्ड जरूर है। कभी कॉलेज में शक्ल तो दिखाई नहीं ढंग से, अवार्ड मिलेगा वो बच्चे, ये लेट आया ना इसलिए, देव अभी तक नहीं पहुंचा, वो पीछे बैठ जाएगा जुनून के साथ, बहुत जल्दी आए हां माइकल आते। दोस्ती के नजराने हजार हैं, कॉलेज के दोस्त काफी कमाल हैं, कुछ को कॉल लगाओ तो सोते रहते हैं। अब मिस्टर एंड मिस बेस्ट ड्रेस्ड हो रहा है, अंधेरे में
बैठे तब से पता नहीं कैसे चूर यार, इन्होंने बिना देखे अवार्ड दे दिया। मेरी तरफ तो देखा ही नहीं किसी ने। किसी तरफ? मेरी तरफ। बेस्ट ड्रेस तो मैं दी। भाई इतनी जल्दी फाइनल परफॉर्मेंस भी आ गया। और क्या, अभी तो शुरू हुआ था फेयर वाला। मैंने एंटर किया था अभी तो यह है था। गाइस अब इसके बाद मेन चीज होगी खाना, देखते क्या देते, क्या पता कुछ अच्छा दे दे यार इस बार। हमेशा इसको नुक्स ही निकालते भाई। अभी डीजे होना चाहिए यार, डीजे पता नहीं होगा नहीं होगा। डीजे पिछली बार भी नहीं था, क्यों होगा डीजे? खाना मिलेगा भाई, वो उम्मीद कर लो कि थोड़ा अच्छा मिल जाए अगर खाने लायक। लगता है उसकी दिल तोड़ने वाली यही बैठी है। चलो भाई फूड बॉक्सेस, अब मिलेगा हमें खाना यहाँ पे। फूड बॉक्सेस बट रही है तो बहुत खुश होगा ये देख के। खुश अगर अच्छा हुआ तो खुश होगा। लास्ट वाले सेम है भाई। तो मिल गया मैं क्यों दूँ? क्या मांग रहे? मेरे से मेरी स्लाइस मांग रहा साला। चले मुझसे मत ले, खाने के लिए तो आया है वो। आज लड़ाई हो जाएगी, चार साल में नहीं आ जाएगी तो स्लाइस मांग ली तो। भाई मैं दिखाती क्या क्या मिला है हमें खाने के लिए। हमें मिला है एक समोसा, एक सैंडविच, एक स्लाइस कुकी और सॉस। मैं एक चीज दिखाती हूँ, खा ये इसी के लिए आया था सिर्फ। हाँ बिल्कुल ही आते ही तो भाई अभी हमने मस्त फोटोज वगैरह खींच ली। एक डब्बा पकड़ लो, तुझे याद आएगी कॉलेज की चुड़ैल कह रहा मेरे को। आउटफिट मेरा आउटफिट दिखा दो। ये इसका आउटफिट, मेरा आउटफिट दिखा दिया। ये मेरी सैंडल है। इसका पूरा टोटल आउटफिट है 1000 रुपीस का। मेरी शर्ट 1000 रुपीस। टोटल आउटफिट फ्री का है। फ्री का गाइस, और भी ज्यादा सस्ता। ये अब ग्रुप फोटो हो रही है। अरे देव इधर आ, उधर कहाँ चला गया किनारे पे? देखो गर्मी हो रही है। ये कोई चिकन चिल्ली नहीं कर रहा। मैं ही व्लॉगर हूं, मैं ही चिल्ला रही हूं फोटो में। तेरे में ये व्लॉगर वाइब्स। जूनी को देखना, जूनी और देव। ओए मेरी एक दो सनकिस्ट फोटो खींच दो। सनस्लैब सनकिस्ट। अरे बहुत हो गया था। तू तो मुझे अब दिख रहा है सुबह से। ये लोग तुम इतनी लेट आए। ओ तेरी आंखें, वेट स्मार्टी। सब सुंदर सुंदर लग रहे हैं, सबका फोटो शूट चल रहा है। बेचारे लड़के लोग परेशान है क्योंकि इन लड़कों से ही फोटो खिंचा रहे हैं हम सब। हमारी क्लास के लड़के, कितने ही लड़के बस हमारी क्लास में। नौजवान। हाँ नौजवान। अरे भाई सबसे अलग ये। अब लड़कों की फोटो खींच रही है लड़कियाँ। ये चल रही है गर्ल्स फोटोग्राफ अभी। अभी इसमें सारे लड़के नहीं, कुछ लड़कियाँ कम है। तो बहुत है लड़कियाँ। वही है, अभी तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं। ये तो गिन सकते लड़कियाँ। रजत को भी तो दिखा दे। ओए तूने एक चीज देखी क्या? इसने छाती शेव कर रखी है। हाँ देखी मैंने। तभी तो बटन खुल के हुआ है। तभी बाले बाल निकले क्या? क्या मैंने खोल दिया बाले बाल ऐसे बाहर आए? कुछ नहीं कर रही भाई, मैं व्लॉग बना रही हूँ। लास्ट मेमोरीज क्यों यार? कॉलेज की मिलते हैं। बैक लगी है तो ये इसकी तो बैक लगी है। तू तो यही रहेगा। उसके बाद फिर आऊंगा फेयरवेल लेने। हाँ दोस्तों पानी मिल गया, पानी मिल गया दोस्तों। साक्षी मॉमी ला रही है पानी हमारे लिए। अमृत तेरे को भी पीना था तो मैंने मांगा क्यों था? नहीं इसको भी मजा आ गया। थैंक यू साक्षी पानी पिलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना है एडमिट कार्ड लेने क्योंकि हमारे परसों से एग्जाम से। तो अभी हम जा रहे हैं, एडमिट कार्ड ले लिए हैं। ये हमारे एडमिट कार्ड्स हैं, अब हमारे पेपर हैं। अब हम जा रहे हैं आफ्टर पार्टी की तैयारी करने, जो कि हम अभी नहीं करेंगे। एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम आफ्टर पार्टी करेंगे, लास्ट एग्जाम के दिन है ना। अभी आज हम जाएंगे उसकी टेस्टिंग करने। हाँ अभी हम फूड टेस्टिंग करने जा रहे हैं, वेन्यू देखने जा रहे हैं। अभी देखो हमारे तो पार्टी डन है, हमने ये नहीं खाया इनका सौदा, ये वाला सस्ता सौदा। हम जाएंगे महंगी चीजें खाने, बढ़िया स्टार्टर्स भी लेंगे, मेन कोर्स भी लेंगे, सब भी। वही तो वो नहीं खाया ना हमने, वही तो कह रहे हैं अब हम वो खाएंगे। हाँ मजा आएगा आफ्टर पार्टी, इससे तगड़ी होगी। नहीं ये भी अच्छा था बट आफ्टर पार्टी वही तो मैंने वही तो बोला ये अच्छा था। देख मजा तो इसमें भी आया हमको। नहीं वो अच्छा देखी जाएगा कितना। अरे वो हाँ नहीं यार अच्छा मजा तो आया देख। और हमने फोटोज भी बहुत सारी खिंचाई, भले ही चार साल में काफी लोगों की लड़ाई हुई हो हमारी किसी से नहीं, बट हाँ बट लास्ट में सबने अच्छा। देव की सबसे लड़ाई हो रखी है भाई से, इससे कोई बात ही नहीं करनी। विपुल को जल्दी घर जाना था, जाना पड़ा तो वो चला गया, पर आफ्टर पार्टी में आएगा विपुल। मौसम देखो गाइस क्या हो रहा है, बस बेचारा। चलो अभी चलते हैं फूड टेस्टिंग करने और वेन्यू देखने। नजारे सिर्फ कभी कभी देखने को मिलता है। एमिटी की पार्किंग इतनी खाली, सिर्फ हम लोगों की गाड़ी बची है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों, फेयरवेल हो गया। वाह देखो यहाँ पे करते थे हम शक्ल स्कैन, देख रहे हो? फिर यहाँ ओए और यहाँ से आते थे फिर हम। हाँ ऑलमोस्ट तो नहीं अभी। ओए तेरे पीछे कुछ है ये लेडी बर्ड।
भाई ये तो किस्मत वालों के पास ही जाता है। वही तो, तू कब से किस्मत वाला हो गया? मैं हूँ किस्मत वाली। चुप रहे, मेरी बंदी है। कॉलेज खत्म होने से पहले किसी का तो घर बसा। अब यहाँ पे फोटो शूट होगा, इन तीनों ने गाड़ी लगा दी। और ये वाली बीच में लगानी चाहिए थी तुमको, ये वाली बीच में होती। हाँ हाँ, वो अलग सी लग रही है, ऑड वन आउट। इतना खाली पार्किंग कभी नहीं मिली। अब इसमें भागते ये मेरे से वैसे भागा नहीं जाएगा ज्यादा ही। इसमें भाग तो रही थी अभी, कितनी जोर की भागी थी उसके साथ, देव के साथ। पीछे देखा, पीछे अपने पैर पे चिपका दी चुंगम और इसने वहां लगा दी ब्रेक। ओए हाय छिछी, ये तो मुझे पता लगा कि मैं कह रहा मेरे पैर यार ब्रेक पे मार रहा हूं चिपक जा रहा है। मैंने मेरे पैर क्यों चिपक रहा है, क्या होगा? देखा तो चुंगम मारी ऐसे चिपक चिपक की। अच्छी यार, तू लोगों पे शब्दों से थूकता है ना। आफ्टर पार्टी की लोकेशन देखने आए यार, क्या लोकेशन है भाई। यहां पे लग ही नहीं रहा कि ये जगह नोएडा दिल्ली में है। ये देखो बगल में कितनी शांति, फार्म से फार्म है सामने, देख क्या बॉडी हो। वही तो देख लो कितने सुंदर सुंदर, एक दिन सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। उसे कितने चक्कर लग रहे हैं भाई, ये क्या मस्त लग रही है ये रोड। एक नंबर सड़क है भाई, मजा ही आ जाएगा इधर पार्टी करने में, है ना साक्षी? अबे बाहर निकल के थोड़ी करेगी। मेन ये है कि रोड तो जैसी है बढ़िया है, अंदर फॉर्म्स एक नंबर लग रहे हैं भाई। हां यार, एक नंबर वही वही वही। दोस्तों रेडी हो जाओ आफ्टर पार्टी। हाँ दिल तो खुश हो ही गया भाई, तो मैं कह रही हूँ दोस्तों रेडी हो जाओ आफ्टर पार्टी और तगड़ी होने वाली है। मैं खुद इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, कब पेपर खत्म हो कब आफ्टर पार्टी हो। भाई क्या लोकेशन है। ओए हाय हाय हाय, शूट प्लीज शूट प्लीज। भाई बहुत सही जगह है यार ये तो। भैया वैसे ही फार्म बनेगा और एक बड़ा सा पोस्टर बनेगा इन दोनों के नाम का कि ये दोनों ऑर्गेनाइज। टांग भी ऐसे रखेगा? हाँ, नहीं टांग तो आई नहीं ना, इतना आएगा। मस्त लग रहा है, तेरी फोटो लूं यहाँ पे। भाई अभी हम अपने वो खा रहे हैं जो हमको मिला। तो भाई अभी यहाँ पे बैरियर पे पुलिस वाले थे, तो वो अंकल आए, पहले उन्होंने इससे पूछताछ करी, उसके बाद मुझे देख के, मैंने समोसा पकड़ा हुआ था हाथ में, मुझे देख के कह रही, क्या बोला? ये बच्ची स्कूल की है। बच्ची स्कूल की है? बोला ना, मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? मैं कह रहे कहाँ से आ रहे हो, मैंने कॉलेज से आ रहे हैं। कह रहे कौन से? एमबीटी से आ रहे हैं। कह रहे अच्छा, कह रहे और ये बच्ची स्कूल की है? मैंने कहा उसी स्कूल की है। उनको उनको लगा इतनी छोटी सी है, ये कहाँ इतना बड़ा सा। उन्हें लगा इलीगल तरीके से उठा के वही सब समोसे का लालच देके बच्चे को उठा। भैया मेट्रो का रास्ता कहाँ से है? वो इतने चमका दो रहे वहाँ पे, देखो मुझे कह रहा था क्या आवाज सुन भाई, डरावना पूरा। और उधर देखना एकदम सुनसान, वो देव की गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है। भाई अभी हम आफ्टर पार्टी करने आए हैं, पहले की चाप खानी, हमारी छोटी आफ्टर पार्टी चल रही है यहाँ पे। बहुत हैवी आफ्टर पार्टी, बहुत हैवी। और ये वही उसी जगह आए हम जिधर हम सबसे पहले आए थे जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था, और उसके बीच में हम कभी नहीं आए, फिर अब आए। नहीं मैं तू तो आता है, हम सब की बात कर, हमारे साथ थोड़ी आया तू, नोटिस करा? पर उस दिन हमारे साथ एक और बंदा था और हम सभी लोग थे। जोरो था, आज जोरो नहीं है। हाँ तब व्लॉग नहीं करते थे पर। तो भाई फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, मतलब हम सब चले गए अपने अपने घर। यार क्या ही था, मतलब मजा आ गया आज के दिन, आज से ज्यादा मजा आने वाला है आफ्टर पार्टी में, क्योंकि उस दिन सिर्फ क्लास वाले बच्चे रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो बहुत मजा आएगा जो कि हम करेंगे अभी पेपर खत्म होते, जिस दिन पेपर खत्म लास्ट पेपर है उसी दिन हम आफ्टर पार्टी करने वाले हैं, तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। बाकी बहुत बढ़िया रहा यार, और अब ना अजीब सी फीलिंग आ रही कि सच में खत्म हो गया कॉलेज, पेपर भी हमारे यूं चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, पढ़ते पढ़ते निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। बट हो रहा है अब थोड़े सीरियस वाली फीलिंग आ रही है, अजीब सा हो रहा है कि अब क्या होगा लाइफ में आगे, क्या करेंगे, कौन कहाँ जाएगा, हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब वो सब देखा जाएगा आगे। बट चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते, फोटोज वगैरह भेज लेती हूँ मैं सबको, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। तो दोस्तों मेरी कॉलेज लाइफ तो अब खत्म हो गई है, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जितने भी लोग मुझे कॉलेज में मिले उन सब के लिए। देखो हम जैसे कुछ लोग जो अपना घर छोड़ के पढ़ाई के लिए करियर के लिए घर से इतना दूर आते हैं, तो यही जो हमारे दोस्त होते हैं ना घर से दूर वाली फैमिली बन जाते हैं, जिनके साथ घर से दूर होने का एहसास ही नहीं होता, फिर सुख दुख के साथ ही भी यही बन जाते हैं। मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले, मेरी कॉलेज लाइफ इन लोगों ने इतनी अच्छी बनाई कि मैं इतना तो गारंटी से कह सकती हूँ मेरी कॉलेज लाइफ तो बिल्कुल मूवीज जैसी थी। अब ये मूवी एंड हो रही है तो दुख तो बहुत हो रहा है, पता नहीं अब कौन कहाँ जाएगा, पता नहीं अब कब ढंग से मिलना हो पाएगा, मिलेंगे भी या नहीं, प्रॉमिस तो सब करते हैं मिलने का, पर जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अब मस्ती वाला टाइम ख़त्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम शुरू, पर कर भी कह सकते हैं पार्ट ऑफ लाइफ है, बस इन्हीं यादों को साथ लेके आगे ही बढ़ सकते हैं। आई विश मेरे सारे दोस्त सक्सेसफुल हो जाएं, सब लाइफ में बहुत अच्छा करें, ढेर सारा प्यार सभी को और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। चलो अब हंसते हंसते इस कॉलेज के सफ़र को यूं ही ख़त्म करते हैं, और हाँ
अगर आप लोग अभी स्कूल या कॉलेज में है ना, तो यार मस्त खुल के एंजॉय करो, घूमो फिरो, मस्ती करो दोस्तों के साथ, पढ़ाई भी कर लेना हाँ, क्योंकि यही तो टाइम है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। यू डोंट स्पीक, ये नहीं जाएगा, नहीं आए, नहीं क्या है रामायण वाली, क्या है पेपर में रामायण, सबके नंबर छोटा बेटा जो बड़ा बेटा तो मनहूस है, चेहरे चेंज कर देगा। था क्या ना, मुझे भी घुमा रहे हैं, काम तो पता है कौन करेगा, नितेश सोनी जा रहा हूँ, लास्ट डे ऑफ कॉलेज, देखो इतना किराया आ रहा है, इतना किराया आ रहा है।